है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट की जो आंसर की है वो दोस्तों आ चुकी है, और आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे चेक करेंगे कि आपने कौन सा प्रश्न सही लगाया है और कौन सा गलत है। ठीक है दोस्तों, तो उसको आज हम बिल्कुल लाइव तरीके से दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बेल आइकन को भी ऑल कर लें, जिससे कि मेरी इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हर बार पहुँचता रहे। तो चलो चलते हैं दोस्तों अपने गूगल क्रोम पर। तो वहाँ पर जाकर अपने सर्च बार में क्या टाइप करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पर, और यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा दोस्तों सरकारी रिजल्ट। तो जैसे कि मैं सरकारी रिजल्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और सरकारी रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ वेबसाइट निकल कर आएंगे, तो आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पर ही क्लिक कर देना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से जो ऑफिशियल वेबसाइट है सरकारी की, वो यहाँ से इस तरह से कुछ आपके सामने नज़र आएगी। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, हमको देखना है आंसर की। तो हम चलो चलते हैं नीचे की ओर, हम इसको स्क्रॉल करते हैं, और स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर नज़र आ जाती है दोस्तों, यहाँ पर आंसर की का एक ऑप्शन खुलकर आ जाता है आंसर की। तो यहाँ पर आपने को देखने को मिल जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर लिखा हुआ है सी टेट आंसर की 2022। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर डाउनलोड क्वेश्चन पेपर विद कैंडिडेट रिस्पॉन्स। तो यहाँ से हम सी टी एट का जो आंसर की है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो यहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करना है आपको आंसर की, दोस्तों मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एक ऑप्शन खुलकर आएगा। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन खुल के आएंगे, तो आपको यहाँ पर चॉइस करना होगा। अगर आप अपने नंबर से और पासवर्ड से इसको, एप्लीकेशन नंबर से और पासवर्ड से डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर की को, या दोस्तों अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से, तो यहाँ पर हम दोनों तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, मैं अभी आपको एप्लीकेशन और पासवर्ड नंबर से आपको दिखाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुलकर आएंगे, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपका ये सिक्योरिटी कोड, नीचे हमारा सिक्योरिटी कोड ये दिया हुआ है ये वाला, इसमें हम फिल कर देंगे। ठीक है, और फिर साइन इन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, मैं अभी ये डाटा फिल कर लेता हूँ। तो इसका कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस नज़र आएगा, और इसको थोड़ा सा ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ से अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस जगह से, और आप इसको थोड़ा सा और ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपने को देखने को मिल जाएगा ये वाला ऑप्शन। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो हमारा सी टेट का आंसर की है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कुछ जो हमारा सी टेट का आंसर की है वो है। तो मैं बता दूं आपको, अभी तक आंसर की वही निकल कर आई है जैसे कि आपने जो ऑप्शन लगाया था, वो यहाँ पर आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा कि आपने स्टेटस में आंसर लगाया है, इसका आंसर पहला दिया है। ठीक है, अभी हमारा ये नहीं निकल कर आया है कि इसका आंसर सही कौन सा है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए कुछ एक दो दिन में ही अपडेट आ जाएगा, और वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।